नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का जो वीडियो है इसमें अपन देखने वाले हैं कि जो हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक जो है एग्जैक्टली क्या है? हार्ट की मसल्स में क्रैम्प, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसमें क्रैम्प होने के कारण होता है। एग्जैक्टली क्रैम्प होंगे तो उसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक, क्योंकि चेस्ट पेन हमको मिलने लगता है। ठीक है, तो हार्ट अटैक होने का कारण क्या होता है? जब हार्ट की मसल्स की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाए या जीरो होने लगे, क्योंकि हमारे जो हार्ट है उसको तीन स्पेसिफिक टाइप की आर्टरीज, जिसे हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, वो ब्लड की सप्लाई करती है। लेकिन तीनों कोरोनरी आर्टरी में यदि ब्लॉकेज हो जाएगा तो वहाँ ब्लड नहीं पहुँचेगा, ब्लड नहीं पहुँचेगा तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, और ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, और हार्ट में हमें क्रैम्प, मतलब हार्ट की मसल्स में हमें क्रैम्प मिलने लगेंगे, और ये क्रैम्प ही क्या कहलाता है? आपका हार्ट अटैक कहलाता है। ठीक है, मतलब जितनी डिमांड होती है उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे मसल्स में हमें क्या मिलने लगता है? क्रैम्प मिलने सकता है। और इस क्रैम्प या इस हार्ट अटैक को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस हार्ट अटैक को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाला, ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी में जाए और ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दे, और वो होता है सबसे इम्पॉर्टेंटली नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये हमको मिलता है अखरोट, मीन्स वॉलनट से हमको मिलता है। साथ में वॉलनट आप लेंगे तो उसमें अच्छा खासा ओमेगा 3 मिलेगा, जो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए आप अखरोट खा सकते हैं, लगातार आप खाइए एक अखरोट, पानी में फुलो के 24 घंटे पानी में फुलो के लगातार खाते रहिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हार्ट अटैक होने की संभावना को बहुत हद तक कम करेगा। यदि कोई क्वेश्चन है तो दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, और मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर बात करेंगे। नमस्कार।